जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया, ये जोश आप लोगों के अंदर है, यही कारण है जो मेरे इतने हौसले बुलंद हैं। यही कारण है जो मैं इन बड़ी बड़ी पार्टियों से टक्कर ले रहा हूं। यही कारण है जो इन दिग्गज नेताओं के सामने मैं खड़े होकर बोल रहा हूं। आप लोगों का हौसला बुलंद चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मुझे विश्वास चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसी बड़ी बड़ी चार पार्टियां और आ जाए, ऐसे चार नेता और आ जाए, फिर भी ये मेरे को झुका नहीं पाएंगे, मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई दीपक यादव का, जो आप लोगों से आज इन्होंने मेरे को मिलवाया, जो आप लोगों को इकट्ठा किया, जो आज आप लोग मेरे विचार सुन पाएंगे। 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, क्या आज हमारे पास वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं? क्या हमारे पास अच्छे स्कूल हैं? और बताना चाहता हूं, बीजेपी के पास 1 करोड़ों का दफ्तर है। दफ्तर पहले बनना चाहिए था या अस्पताल? दफ्तर पहले बनना चाहिए था या सरकारी स्कूल? दफ्तर पहले पढ़ना चाहिए था कि यूनिवर्सिटीज? तो साथियों, सब कुछ आपके सामने है। मैं भी पहले उस गुड़गांव की चकाचौंध को समझता था कि तरक्की हो रही, क्योंकि बाद में पता लगा वो तरक्की तो बिल्डरों की करी हुई है और पिछली सरकार की जमीनी बेचने का काम किया है। असली पता करना है तो इस लोकसभा के अंदर आओ, गांव में आओ, यहां के स्थानीय लोगों के आओ। तरक्की हुई है तो उन बाहर की लोगों की हुई है जो उन बिल्डिंगों में फ्लैट्स में बैठे हैं। स्थानीय लोगों की कोई तरक्की हुई है? नहीं हुई है। गांव के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है, डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं, नालियों के अंदर ओवरफ्लो है। अगर कोई रोजगार नहीं दे सकता तो उनके रोजगार छीनने का काम तो मत करो। कोई गरीब आदमी अपनी परचून की दुकान खोल रहा है, कोई किसी चीज का रोजगार कर रहा है, वहां पानी भर जाता है, ग्राहक तक नहीं जा रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मेरा साथ दो, मेरा हौसला बुलंद रखो, मैं आपकी बार इस रामपुरा हाउस की जड़ें हिलाने का काम करूंगा, उसे उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। मेरी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई है उनकी सोच से, मेरी लड़ाई है बदलाव लाने की। अब की बार बदलाव लाना है। जो ये नेता घमंड में चूर बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि उस शाही महल में बैठ के उन्हें वोटें मिलेंगी, जनता का बिना काम करे वोटें मिलेंगी, अब की बार वो घमंड चूर करना है। मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब की बार मेरे साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? अब की बार इतिहास बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अब की बार इन्हें युवा की ताकत दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? अब की बार इन्हें ऐसा करके बताएंगे कि इन्हें याद रहेगा कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा, उनको नतमस्तक होना पड़ेगा और काम भी करवाने पड़ेंगे। जो इन्होंने ये राज बना के रखा है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये राज उनकी बदौलत नहीं है। ये 36 बिरादरी, हर कौम, हर वर्ग, इन माताओं के आशीर्वाद से सबने मजबूती से जिताने का काम किया है। उनके अकेले के बस की बात नहीं थी। मैं उनसे पूछूंगा, बदले में उन्होंने क्या दिया? हमने 20 साल तक विश्वास किया, उन्होंने बदले में क्या दिया? अब की बार आप लोगों से भी मैं ये विनती करूंगा, आप लोगों के बीच में आए तो पूछना हमें बदले में क्या दिया। पर मुझे विश्वास है कि वो वोट मांगने भी नहीं आएंगे, इतने घमंड में बैठे। मेरे युवा साथियों, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार 1 तारीख को मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं। अगर आप लोगों ने वहां एकजुट होकर मेरी आवाज को बुलंद किया तो आप लोगों की आवाज मजबूती से आगे रखूंगा और हमेशा ताउम्र तक आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो सरकार के भी नियम आ गए हैं कि 10 साल में डीजल की गाड़ियां बैन कर दो, 15 साल में पेट्रोल की बैन कर दो,
और रामपुर हाउस का इंजन को तो फिर भी 20 सालों की बार बैन करोगे नहीं करोगे? आपकी बार पक्का इलाज करोगे नहीं करोगे? इस युवा की आवाज को बुलंद करोगे नहीं करोगे? अगर मेरी आवाज बुलंद नहीं, अगर मेरा हौसला टूटा, तो मैं यकीन से कह सकता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों, ये मेरा हौसला नहीं टूटेगा, यहां पे बैठे हुए हर एक युवा का हौसला टूटेगा। मैं बताना चाहूंगा, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसे नेताओं के सामने, ऐसी पार्टियों के सामने खड़े होने की, बोलने की। मैं भी आप जैसे एक आम